ये जो मेरे को सिखाते हैं ना जिन्होंने कभी लड़ाई गोली की आवाज़ नहीं सुनी वो हमको सिखा रहे हैं आज की साहब नहीं नहीं साहब हम टेक्नोलॉजी से लड़ेंगे आप तो बेवकूफ थे बेवकूफ़ तुम कितने हमारे पॉलिटिशियंस के बेटे फ़ौज में हैं हमें चाहे कांग्रेस हो चाहे ये हो चाहे वो हो कितने बेटे हैं फ़ौज में यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लड़ाई तो फिर हमको करने दीजिए ना हमारा काम नहीं हम सिखाएंगे कैसे करना है बट यू फॉरगॉट कि साउथ ऑफ पीर पंजाल भी तो जम्मू कश्मीर है अगर आप वहाँ पे बिल्कुल डाइल्यूट कर देंगे ट्रूप डेंसिटी तो फिर तो तकलीफ़ होगी ना साहब मेरी सरकार से सिर्फ अनुरोध है कि उनके हाथ खोल दिए जाए जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के चार जवान शहीद हो गए जिनमें एक अधिकारी भी शामिल था इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा विशेषज्ञ जीरी बख्शी ने पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर बात कही है आपको बता दें उन्होंने सरकार से आतंकवाद के मामले में सेना को और अधिक ज्यादा अधिकार देने की बात करते हुए कहा कि हमारे जवान सक्षम है मेरी सरकार से गुजारिश है कि उनके हाथ खोल दिए जाए इसी के साथ ही उन्होंने ट्रूप्स के बारे में बोलते हुए कहा कि आप भूल गए हैं कि पीर पंजाल भी तो जम्मू कश्मीर है अगर हम वहां पर ट्रूप डेंसिटी बिल्कुल खत्म कर देंगे तो दिक्कत तो होगी ही द पॉलिसीज आर वर्किंग परफेक्टली वेयर यू पुट फोर्स डेंसिटी ट्रूप डेंसिटी पत्थर जहां मारा है तो वहां सर को चल दिया है बट एक जगह खाली कर दी ना तो वहां उसने फायदा उठाया है नाउ फिलेट आप ओके okay, गलती हो जाती है हर किसी से हो जाती है नाउ लेट्स नॉट स्टैंड अप ऑन ईगोज यू नो लेट्स करेक्ट लुक एट द राशन दे मेड अ मिस्टेक उन्होंने गलती की उन्होंने डेढ़ लाख से यूक्रेन की फौज पर हमला किया जो ढाई लाख थी टू स्टार्ट विद राइट एंड टू दे क्रेडिट दे वन द इनिशियल बैटल बट देन वेन दे हैड टू डिफेंड वन लैख वन थाउजेंड टू हंड्रेड माइल्स ऑफ द बॉर्डर फिर उनकी आफत आ गई ऑफेंसिव ऑपरेशंस में इनिशिएटिव इज विद यू डिफेंसिव हो जाओगे इनिशिएटिव शिफ्ट्स टू एनिमी। ही चूज इज वेन एंड इन वॉट स्ट्रेंथ टू अटैक वाई लेट हेम डू दैट वेन दे डिड दैट द रशियन ट्रुप टुक अ बीटिंग बट स्ट्रेट अवे करेक्शन किया मोबलाइज थ्री हंड्रेड थाउजेंड तीन लाख रिजर्विस्ट लड़ाई के दौरान उन्होंने लगाए और अब पांच लाख नई फौज लाई है और आप देखें उसका नतीजा ग्राउंड पे ये जो मेरे को सिखाते हैं ना जिन्होंने कभी लड़ाई गोली की आवाज नहीं सुनी वो हमको सिखा रहे हैं आज की साहब नहीं नहीं साहब हम टेक्नोलॉजी से लड़ेंगे आप तो बेवकूफ थे बेवकूफ तुम और आई थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज बॉयज पेइंग अ प्राइस ये जो तबका जिसने ब्यूरोक्रेसी जिसने ब्यूरोक्रेसी ने लड़ाई लड़ी है कभी है? कितने हमारे पॉलिटिशियंस के बेटे फौज में हैं हमें चाहे कांग्रेस हो चाहे ये हो चाहे वो हो कितने बेटे हैं फौज में यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लड़ाई तो फिर हमको करने दीजिए ना हमारा काम नहीं हम सिखाएंगे कैसे करना है तुम फालतू फौज बना रखी है भत्त खा रहे हो थूक लगा रहे हो चूना लगा रहे हो चुना नहीं लगा रहे साहब अपनी जान आपके लिए दे रहे हैं थ्री सेवेंटी वॉज अ डैम गुड थिंग यू सीन द इंपैक्ट इन द वैली तीन सत्तर को आपको पचास साल पहले करना चाहिए था हटाना लेकिन उसके आफ्टर में आपने जहां फोर्स लेवल कश्मीर में बढ़ाए हर जगह आपको भारत के झंडे दिख रहे हैं लाल चौक पे जहां हाथ पैर तोड़ती थी जम्मू कश्मीर की पुलिस तिरंगा झंडा फहराने के लिए चोरी छुपे जाके झंडा फहराना पड़ता था और मार पड़ती थी वहाँ की पुलिस से आज वहाँ पे तिरंगे झंडे शान से फहराए जा रहे हैं यू डन अ डैम गुड जॉब इन द वैली बट यू फॉरगॉट कि साउथ ऑफ पीर पंजाल भी तो जम्मू कश्मीर है अगर आप वहाँ पे बिल्कुल डाइल्यूट कर देंगे ट्रूप डेंसिटी तो फिर तो तकलीफ होगी ना सा वही तकलीफ आप झेल रहे हैं सो वॉट इट डजेंट मैटर ये आर्मी ने बहुत कुछ ऐसा झेला हुआ है आप करेक्ट करिए इंक्रीज रूप डेंसिटी और फिर देखो जलवा होता है क्या रिज्यूम दैट काउंटर टेररिज्म ग्रिड ग्रिड का मतलब क्या है हर पहाड़ी जो डोमिनेट करती है आस के एरिया आपकी कंपनी बैठी है फिर देखें उस जंगल में कैसे कोई ऑपरेट करता है जब हमारे पेट्रोल जा रहे हैं एम्बुश जा रहे हैं आप वो ग्रिड ही हटा दें फिर बोले साहब एम्बुश क्यों हो रहे हैं यार तुमको लड़ना जब आए ना फिर सिखाना आप देखिए जो पुराने सिपाही आपको कह रहे हैं जो वहाँ लड़े हुए हैं मैं किश्तवाड़ में लड़ा हूँ मैं रजौरी पुंछ में लड़ा हूँ मैं पंजाब में लड़ा हूँ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन और मैं कारगिल में लड़ा हूँ मेन ऑपरेशन मैं इकहत्तर का युद्ध लड़ा हूँ उसके उसके उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हम कह रहे हैं प्लीज डोंट रिड्यूस ट्रूप डेंसिटीज माउंटेन्स जंगल्स दे आर बैडली नीडेड कोई टेक्नोलॉजी इसको रिप्लेस नहीं कर सकती आपके ड्रोन्स आर रिक्वायर्ड बट द ड्रोन के नॉट पेनीट्रेट द जंगल कवर ठीक है ना तो आदमी का बंदे के बगैर काम नहीं चल सकता नहीं साहब हम बड़े चतुर हैं हम तुमको टेक्नोलॉजी नहीं आती थी हमको भी हमारे टाइम में भी ड्रोन्स थे हमने इस्तेमाल भी किए प्रॉब्लम आती थी कि जंगल में कैनोपी के नीचे नहीं देख सकते किया हुआ है ना साहब इसलिए ए, ए, जॉब while फाइटिंग ठीक है एक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के ऐसी चीजें नहीं कर सकते मुझे खुशी है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं, वो है, वो और कमांड में लड़े हुए हैं मेरी सरकार से सिर्फ अनुरोध है कि उनके हाथ खोल दिए जाए इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी डॉट कॉम